महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा संक्रमित है इस वक्त। कई जिलों में नाइट कर्फ्यू छत्तीसगढ़ के लगा दिया गया है और तमाम प्रशासनिक सख्ती भी देखने को मिल रही है। कोरोना की रफ्तार यहां पे थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 4,174 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में 43 मरीजों की जान चली गई है और इतने छोटे राज्य में हैरान करने वाला आंकड़ा है ये। संक्रमण के मामले में प्रदेश अब महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। अगर राजधानी की ही बात करें तो रायपुर में बीते 24 घंटे में 1,405 नए केस सामने आए। दुर्ग में 964 नए मामले सामने आए। राजनांदगांव में संक्रमण से 241 लोग बीमार हो गए। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना ने 4,247 लोगों की जान ले ली है। तो छत्तीसगढ़ में बेकाबू हो रहा है कोरोना और सबसे ज्यादा संक्रमित शहर इस वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग हैं। दुर्ग में 964 नए केस, दुर्ग में तो लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के जो दूसरे सटे हुए जिले हैं दुर्ग से, वहां पर भी अब पैनी नजर प्रशासन की है। हालांकि अब राज्य सरकार ने ये फैसला कलेक्टर को सौंपा है कि कलेक्टर हालातों का जायजा लेकर लॉकडाउन लगा सकते हैं और इसलिए इसकी शुरुआत दुर्ग से की गई क्योंकि दुर्ग में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग ये तीनों शहर इस वक्त छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं। चिंतनीय बात यह है और खुद मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही है कि जब तक शहरों में कोरोना है तब तक ठीक है, तब तक हालातों पर काबू हम पा लेंगे, लेकिन जैसे ही ये कस्बों में पहुंचेगा, जो कि अब पहुंचने लगा है, फिर हालात बेकाबू हो जाएंगे और उसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और वही सिचुएशन दुर्ग में हम देख रहे हैं। खासतौर से बात ये भी है कि ये वो ज़िले हैं जो महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर जो आवागमन है वो जारी है और इस वजह से ही यहाँ पे मामले तेजी से बढ़े हैं। तो 43 मरीजों की जान चली गई छत्तीसगढ़ में। बीते 24 घंटे में 1,405 नए संक्रमित केस सामने आए। 964 नए केस दुर्ग में मिले हैं और 4,247 लोगों की मौत हो गई है अब तक। अगर हम कुल आंकड़ों पर नजर डालें और 4,174 नए संक्रमित एक दिन में मिलना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कितनी ज्यादा लापरवाहियां यहाँ पे बरती जा रही है। तो दुर्ग इस वक्त सबसे ज्यादा संक्रमित है। दुर्ग में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। दुर्ग में अब 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की छूट दी जाएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कोरोना के बढ़ते आंकड़े अब चिंताजनक होते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए आखिरकार प्रशासन को अब लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा है। हम लोगों ने जिले में 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का लॉकडाउन का निर्णय लिया है। इसमें 3-4 दिन लोगों को मिलेंगे ताकि जो आवश्यक सामग्री है उसको स्टॉक कर सके, और ज्यादा भी समय इसलिए दिया है कि किसी भी प्रकार के मार्केट में भीड़ भाड़ ना हो। कल से या फिर आज से जब भी मार्केट खुले रहेंगे तो सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें। कलेक्टर की ओर से इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। सभी तरह की गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी, सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए छूट दी गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार दुर्ग में टोटल लॉकडाउन का फैसला क्यों लेना पड़ा। दरअसल दुर्ग में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दुर्ग में 5 दिन में सामने आए आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना भयावह होता जा रहा है। 1 अप्रैल को दुर्ग में 996 मामले सामने आए, 7 मरीजों की मौत हुई। 31 मार्च को 1,199 केस मिले, 7 मरीजों की मौत हुई। 30 मार्च को 769 नए संक्रमित मिले, 6 की मौत हुई। 29 मार्च को 509 केस मिले, 4 मरीजों की मौत हुई। जबकि 28 मार्च को 785 नए मामले सामने आए, 4 मरीजों की मौत हुई। ये जो है उसका थोड़ा परिणाम पिछले 3 दिनों में दिखा है। पॉजिटिविटी का जो रेट है उसमें थोड़ी कमी आई है। कल भी हम लोगों ने जिस प्रकार से सैंपलिंग किए थे उसके अनुपात में पूर्व की तुलना में केसेस की संख्या कम हुई है, तो थोड़ा पॉजिटिव असर दिख रहा है, परंतु अभी जो स्टेप्स है उसको और एग्रेसिव करने की आवश्यकता थी। दुर्ग में कोरोना की भयावहता का अंदाजा लगाना हो तो इन तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं। तस्वीरें अनिकेत मुक्ति धाम की है, जहाँ कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं बची है। हर रोज कई मरीज कोरोना के कारण काल के गाल में समा रहे हैं। आंकड़ों और तस्वीरों से साफ है कि कोरोना आने वाले दिनों में और भी घातक रूप अख्तियार कर सकता है। लॉकडाउन कोरोना की बढ़ती रफ्तार को काबू में करने का एक उपाय मात्र है।
अगर आप अब भी जागरूक नहीं हुए और कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो ये खतरा और भी बढ़ सकता है। दुर्ग से दिलीप शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।